की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी आज भी काफी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनि एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वोरिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांकिस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोने आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए जा तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का कैरेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनल एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस टेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का कैरेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एल एंड एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का कैरेक्टर निभाया है मैथियस टिस ने इवान ब्लादिमी वोरिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड यारी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एल एंड एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वोरिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने ने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आरानस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है, है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनि एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करेक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस जोनाटिज ने इवान ब्लादिमी वोरिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांकिस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोने आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरामी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरान हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बैल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनल एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टेस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का कैरेक्टर निभाया है मैथियस जोनार्टिस ने इवान ब्लादिमी वोरिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन्य आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एल एंड एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चरनी एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस टिस ने इवान ब्लादिमी वो एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोनेटिस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आरानस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनि एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करेक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांकिस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोने आर्टेस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरामी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का कैरेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनल एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस टिस ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का कैरेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एल एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का कैरेक्टर निभाया है मैथियस जोनार्टिस ने इवान ब्लादिमी वो एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांकिस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड यैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एल एंड एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चरनी एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोनेटिस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आरानस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनि एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांकिस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोने आर्टेस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरामी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरान हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनेन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टेस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनल एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का कैरेक्टर निभाया है मैथियस जोनार्टिस ने इवान ब्लादिमी वो एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी स् लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड यारमी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एल एंड एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड तो प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चरनी एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस टिस ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का कैरेक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे कि ने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकी लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोन आर्टिस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आरानस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमैटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमैटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनि एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल ने, ने, ने नेट नैश का करैक्टर निभाया है मैथियस जोनाटिज ने इवान ब्लादिमी वो एगोरोव का करैक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉलोनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफ़र लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांकिस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास स्कोने आर्टेस देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड अड़ बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनी रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैरने एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 151.6 मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस जोनाटेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का करेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टैफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरान हिंद्स ने कॉलनल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी के स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी के बारे में यह मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी लोग रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रेड स्पैरो मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में हम इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं रेड स्पैरो मूवी का कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड साथ में इस मूवी की टीम के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे किन्होंने रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड साथ ही में आपको रेड स्पैरो मूवी के बजट के बारे में पता चलने वाला है कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी रेड स्पैरो मूवी के बारे में जानना चाहते हैं सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने रेड स्पैरो मूवी को बनाया है डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रेंकीस लॉरेंस ने स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जस्टिन हेथ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को प्रोड्यूस किया है पीटर चैरनिन ने डेविड रेडी ने जैनो टॉपिंग ने एंड स्टीवन जैलियन ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जेनिफर लॉरेंस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जोल एडगरटन देखने को मिल जाते हैं मैथियास इसको आर्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैरमी आयरॉन्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी में सरमाइटोग्राफी की है जो विलियम्स ने एंड एडिट किया है रेड स्पैरो मूवी को एलान एडवर्ड बेल ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज है रेड स्पैरो मूवी के टी एस जी एंटरटेनमेंट चैनल एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है रेड स्पैरो मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने अंडर रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेकेंड मार्च दो हज़ार अठारह रनिंग टाइम में इस मूवी का एक सौ चालीस मिनट यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एंड साथ ही में रशियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो रेड स्पैरो मूवी को सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तक का रहा था एंड इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर रेड स्पैरो मूवी में जेनिफर लॉरेंस ने डोमिनी एंड डोमिनिका एग्रोवा का करैक्टर निभाया है उसके आगे जोल एट ने, ने, ने नेट नैश का करेक्टर निभाया है मैथियस टेज ने इवान ब्लादिमी वो रिच एगोरोव का कैरेक्टर निभाया है चार्लोट रैम्पलिंग ने मार्टन का करैक्टर निभाया है मैरी लॉइस पार्कर ने स्टेफेन वॉन्सर का करैक्टर निभाया है चायरा हिंद्स ने कॉर्नल जैकरोव का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है रेड स्पैरो मूवी का इस मूवी का जॉनर स्पाई थ्रिलर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन हॉलीवुड के स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो एक्ट्रेस ने काफ़ी बढ़िया काम किया है रेड स्पैरो मूवी में लीडिंग रोल पर जेनिफर लॉरेंस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में साथ ही में को एक्ट्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है फ्रांस लॉरेंस ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है सो अगर आपको ऐसे स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो इसको आप ज़रूर से देख सकते हो आई पर भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं रेड स्पैरो मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रेड स्पैरो मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम